दिखाने की कोशिश करूंगा। तो एक पोलियो का ऐड आता था बहुत पहले, जिसमें उन्होंने बहुत डांट के बोला था लोगों को कि आप जाइए अपने बच्चों को पोलियो बूथ पे ले जाइए। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा था, माँ बाप अपने बच्चों को ले क्यों नहीं करते, आप दो कदम पैदल नहीं चल सकते, और याद रहे, और याद रहे आपकी गलती आपके बच्चे के लिए बहुत पाप बन सकती है, और जाइए अपने बच्चों को पोलियो बूथ ले जाइए, इससे पहले बहुत लेट हो जाए। अब धर्मेंद्र, तो धर्मेंद्र का सबसे पहले सबसे फेमस मूवी उनका था शोले, तो उसका एक डायलॉग है छोटा सा, बसंती इन कुत्तों की सामने मत नाचना, गब्बर कुत्ते के बच्चे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अब सनी देओल उनके लड़के हैं, तो उनका फेमस मूवी था गदर, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान जाके वहां हिंदुस्तान के जयकारे का नारा लगाया था। तो अब उनकी बारी, सनी देओल। तो असलम अली, ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? माना कि आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई अकार नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अब हमारे इरफान खान आते हैं, तो उनकी बारी। अरे भैया चल के रहे, अरे भैया उत्तर रोटी कुछ नहीं मिलेगा, चलो निकल लो खिसक लो। अब सुनील शेट्टी, सुनील शेट्टी की मूवी सबसे फेमस मूवी थी धड़कन, तो उसका और बॉर्डर, बॉर्डर में उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया, तो दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। तो और अंजू देवी, ये घर पे मेरी माँ है अंजू देवी, तुम किसी और के हो जाओ ये होना शाका, तुम मेरे नहीं हो ये मैं होने नहीं दूंगा। नसीरुद्दीन शाह का, नसीरुद्दीन शाह को जानते हैं आप लोग, तो उन्होंने अवेंजर में बहुत अच्छा डायलॉग बोला था, सबसे फेवरेट डायलॉग मेरा, मतलब उन्हीं डायलॉग के लिए सब भगवान की मतलब सबसे अच्छा कहते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मुझे डायलॉग डिलीवरी उन्हीं उसी में लगा। तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है, नींद की, मान लीजिए नींद की बीमारी का कोई एड आता जिससे मतलब निवारण कराते तो वो किस तरह कर मतलब देते, तो मतलब मैंने उसी को इसमें लेने की कोशिश किया, उसी तरीके से बोलूंगा जो जैसे उन्होंने वेंसडे पे बोला है। नींद में चलने की बीमारी इतनी खतरनाक है, आदमी वैसी हो जाता है, दरिंदा हो जाता है, रात को गली में घूमने लगता है, मावे से नहीं आऊंगा समझाने। और फरहान अख्तर का बारी, फरहान अख्तर, दिलों में अगर अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में खाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, जो अपने आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में खाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। अब बिहार से कितने लोग हैं हाथ उठाए? हाँ, तो बिहार के बहुत फेमस पॉलिटिशियन है लालू यादव, उनकी मिमिक्री मैं करने जा रहा हूँ। तो वो अचानक अपने मतलब पूरा देसी स्टाइल में रहते हैं अपने जब भाषण देते हैं, तो उनका एक डायलॉग है, मारेंगे लोटपाट के चल तोड़ पर, तू नंबर जानता है, हमारा नाम लालू प्रसाद यादव है, तू जो हमारा माइंड है ना बाका शांत है। अब ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन का ओरिजिनल आवाज मैं निकालूंगा, वो बहुत लोग सुनने सुना है। मैं कोई मिल गया मूवी था उनका एक, जिसमें उन्होंने एक मेंटली चैलेंज पर्सन का रोल किया था, तो उसमें एक उनका डायलॉग है, आजा जादू मेरा आंखों की रोशनी आ गई माँ, आपने कहा था ना सर, आपने कहा था ना मैं बाप से सीख गया, मैं अपने बाप से सीख गया हूँ। तो आखिरी में सबसे हमारे लेजेंड एक्टर नाना पाटेकर है, उनका करूंगा रोल। भगवान की तरफ
सुनने को भी नहीं मिलता, बताओ मजनू मैं क्या करूं।